Hey guys, welcome to the online e-learning platform of Agriculture and GK. My name is Apurvati and today I will discuss 50 MCQs related to agriculture entomology. So stay tuned. क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि एक टेक्निकल कोर्स है तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसका कॉस्ट करेगा 1499 रुपीज़। ठीक है, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? तो इस कोर्स में आपको कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इसमें आपको मिलेंगे प्रिंटेबल ई बुक्स, एक क्वेश्चन बैंक, आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए भी एलिजिबल है। इसके साथ ही साथ आपको यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट दिए जाएंगे। हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो बहुत ही क्वालिटी में अच्छा रहेगा और जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर है, आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। अभी तक हमारे यहाँ से 3 स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है FCI AG3 एग्जाम में, जो कि एक अच्छा नंबर है। उसके बाद हमारे यहाँ से 14 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है इन FCI AGM एग्जाम जो कि 2021 में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, और ये मैक्सिमम इन इंडिया था। इसमें आप नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेस करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। तो इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाके उसको क्लिक करिए और उस वेबसाइट को विजिट करिए। वहाँ से आप डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं। अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए इस कोर्स के बारे में तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। ठीक है, चलिए आज का आप सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिल्वर शूट इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, ये जो सिल्वर शूट है इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, यहाँ पे ये क्या रहा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनियन। ठीक है, ये जो राइस बॉल मिर्च है ये पेस्ट का नाम है, जो राइस बॉल मिर्च है या फिर इसको हम लोग बोलते हैं राइस बॉल फ्लाई। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है साइकाइडोलॉप्सिस ओराइजा। ठीक है, ये फैमिली सेसिडोमाइडी से बिलोंग करता है। ठीक है, ये जो है एक कैरेक्टरिस्टिक जो डैमेज दिखाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर शूट बोलते हैं या फिर इसको अनियन शूट बोलते हैं या फिर सिल्वरी गॉल बोलते हैं। ठीक है, जो कि ये प्रोड्यूस करता है लॉन्ग ट्यूबुलर गॉल, वो भी सिल्वर कलर का। ठीक है, सिल्वर कलर का ये अपीयरेंस देता है। इसमें और क्या क्या ये डैमेज सिम्टम दिखाता है, ये जो पेस्ट है राइस बॉल में, तो इसमें आपको जो मैगॉट है ये क्या करेगा, जो ये ना जो ग्रोइंग पॉइंट रहता है प्लांट का वहाँ पे वो पायर्स करेगा, छेद कर देगा, वहाँ पे वो गॉल फॉर्म कर देगा। ठीक है, जो टिलर्स इफेक्टिव रहते हैं, जो टिलर्स राइस में प्रेजेंट रहते हैं वो जो इफेक्ट लाते हैं तो वो फॉलो हो जाते हैं और वो पिंक या फिर पर्पल या फिर व्हाइट या फिर ग्रीन कलर के दिखेंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब जहाँ पे वो बियर कर रहा है टिप ग्रीन कलर का रिड्यूस लीफ ब्रेड, लीफ ब्रेड बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में आपको दिखेगा और जो कि पूरा जो कंप्लीट इंजरी हो गया हुआ रहेगा। ठीक है, कहाँ पे, ऑरिकल्स में और लीफ ब्रेड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हैंड पिक एंड डिस्ट्रॉय इज डन फॉर। ठीक है, जो हैंड पिक जो मेथड है तो हम लोग उसको किसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रोज चाफर बिटल। ठीक है, जब भी अगर इस रोज चैफर बीटल का जब इन्फेस्टेशन होगा स्मॉल नंबर में, ठीक है याद रखिए, ध्यान रखिए, जब ये स्मॉल नंबर इन्फेस्टेशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हाथ से उठाएंगे, पिक करेंगे फ्रॉम दी प्लांट और उसको हम लोग क्या करेंगे, एक सोपी वाटर में ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए बकेट है यहाँ पे, जो सोपी वाटर यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे इस बीटल को हैंड पिक करके, तो इससे क्या होगा ये मर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका जो नंबर है, अगर ये रोज चैफर बीटल का अगर नंबर बढ़ जाता है, ठीक है बहुत ज़्यादा नंबर होता है, हाई इन्फेस्टेशन आता है, तो क्या होगा हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, केमिकल पेस्टिसाइड यहाँ पे हम लोग एसीफेट या फिर साइगोन 2E को यूज़ करेंगे जो कि बेस्ट सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स है। ठीक है, ध्यान रखना अगर स्मॉल नंबर है तो हम लोग हैंड पिक करेंगे और हम लोग हैंड पिकिंग मेथड उसी का कर सकते हैं जिसका जो बीटल का साइज है वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, जिसको हम लोग विजिबल फॉर्म में है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग हैंड पिक कर सकते हैं, जैसे कि बग हो गया, बिटल हो गया। ठीक है, ये सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंड पिकिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इंसेक्टिसाइड एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। ठीक है, जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है वो कौन से ईयर में पास हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1968। ठीक है, जो इंसेक्टिसाइड एक्ट था वो 1968 में पास हुआ था। ठीक है, 2 सितंबर 1968, आपको डेट भी याद रखना है कब, 2 सितंबर 1968 में जो है इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है वो पास हुआ था। ठीक है, इस एक्ट के अंदर क्या बोला गया था कि हम लोग क्या रेगुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट रेगुलेट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करेंगे, सेल ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड को हम लोग क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, सो दैट कि हम लोग किसी भी रिस्क को प्रिवेंट कर सकें फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये एक्ट पास किया था, इसमें ये सब बोला गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एन ईटीएल. ठीक है, ईटीएल मतलब क्या होता है, ईटीएल का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म आता है कि ईटीएल का फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अप्लाई. ठीक है, तो ईटीएल क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं. ईटीएल मतलब कि पेस्ट डेंसिटी, ऐसा मतलब उस लेवल मतलब पेस्ट डेंसिटी होगा जहाँ पे हम लोग कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट कि जो हम लोग प्रिवेंट कर सके इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन को फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल. ठीक है, क्या कह रहा है, मतलब कि इतना पेस्ट डेंसिटी हो जाएगा, मतलब पेस्ट डेंसिटी अगर मान लीजिए हो रहा है तो हम लोग मतलब पेस्ट का जो है वो मात्रा बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं इस पेस्ट के जो पॉपुलेशन को, हम लोग कंट्रोल सकते हैं कैसे, तो हम लोग जो कुछ कंट्रोल मेजर्स लेंगे. ठीक है, केमिकल कल्चर वगैरह मेजर्स हम लोग लेंगे, सो दैट की जो है पेस्ट पॉपुलेशन का जो जो नंबर है वो और नहीं बढ़े और हम लोग उसको इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक नहीं पहुंचने दें. ठीक है, हम लोग को इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक नहीं पहुंचाना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, ईटीएल, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए हो जाएगा. क्या बोल रहा है, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अप्लाई, मतलब हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल में. ठीक है, बट इकोनॉमिक इंजरी लेवल में वहाँ पे नहीं कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट इज ट्रू अबाउट ईआईएल. ठीक है, अगेन ईआईएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ईआईएल मतलब इकोनॉमिक इंजरी लेवल. ठीक है, वो था पहले इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. ठीक है, लोएस्ट पेस्ट पॉपुलेशन विच विल काउज इकोनॉमिक डैमेज. ठीक है, मतलब कि क्या होगा कि इतना मिनिमम अमाउंट जो रहेगा पेस्ट का, इतना मिनिमम अमाउंट कि जो कि हम लोग का इकोनॉमिक डैमेज कर सकता है, जो हमारे प्लांट क्रॉप को जो है वो डैमेज कर सकता है, उस पर्टिकुलर लोएस्ट प्लांट पॉपुलेशन पेस्ट पॉपुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईआईएल. ठीक है, ये जो है साइंटिस्ट स्टर्न इटल ने जो है डेफिनेशन दिया था. क्या डेफिनेशन दिया था, यही कि लोएस्ट पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल काउज द इकोनॉमिक डैमेज, ये जो है स्टर्न ईटीएल ने दिया था. ठीक है, इसको हम लोग डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल भी बोलते हैं. ठीक है, ईआईएल इज आल्सो नोन एज डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल, दैट इज डीटीएल. ठीक है, चलिए ईटीएल को हम लोग दूसरा नाम से बोलते हैं एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल, जहाँ पे हम लोग एक्शन ले रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कंट्रोल मेजर्स ले रहे हैं, सो दैट कि हम लोग उसको बेस्ट पॉपुलेशन को पॉपुलेशन को जो नंबर है उसको इंक्रीज होने से बचा सके. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा पॉपुलेशन मतलब लोएस्ट बेस्ट पॉपुलेशन जो हमारा इकोनॉमिक डैमेज को काउज कर रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं ईआईएल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट्स मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर. ठीक है, जो इंसेक्ट है वो सबसे ज्यादा अलग डिस्टिंग्विशिंग फीचर इसका क्या है. ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3 पेयर ऑफ लेग. ठीक है, 3 पेयर ऑफ लेग जो है इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, इसका इंसेक्ट का. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो 3 पेयर रहता है लेग के वो ज्वाइंटेड लेग रहता है. ठीक है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इंसेक्ट का. और यहाँ पे जो प्रोथोरैक्स रहते हैं, मेसोथोरैक्स होता है, मेटाथोरैक्स जो रहते हैं वो जो है 1 पेयर ऑफ सेगमेंटल लेग से ज्वाइंट रहता है. ठीक है, यहाँ पे आपको ट्राइपिडल स्ट्राइड भी देखने को मिलेगा, जो कि इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द सेवरल एनिमल्स और जो कि वॉक कर सकता है विद हेल्प ऑफ 6 लेग्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इंसेक्ट्स दैट ईट ओनली वन सॉर्ट ऑफ फूड आर नोन एज. ठीक है, क्या बोल रहा है, ऐसा इंसेक्ट जो एक ही टाइप का फूड खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनोफागस. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मोनोफागस. ठीक है, मोनोफागस मतलब कि ऐसा इंसेक्ट जो कि एक ही टाइप ऑफ फूड में डिपेंड करता हो. ठीक है, तो जैसे कि आपका इसका एग्जाम्पल आ जाएगा कैबेज, डायमंड बैक मॉथ. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूटेला जैक्स, ये जाइलोस्टेला. ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है कैबेज डायमंड बैक मॉथ का, जो कि मोनोफागस है. दूसरा है राइस स्टेम बोरर, स्क्योरफोफैगा इंसर्टुलस एंड ऑबर्जिनिन शूट एंड फ्रूट बोरर. ठीक है, ये सब क्या है, इसका कोई सब्सटीट्यूट होस्ट क्रॉप नहीं है, मतलब एक ही क्रॉप पर ये डिपेंड करता है, अगर वो क्रॉप नहीं है तो ये मर जाएगा, मतलब ये दूसरे क्रॉप पर फीड नहीं करेगा, उसी पर्टिकुलर क्रॉप पर करेगा, उसी को खाएगा पिएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज नो स्पेसिफिक डाइजेस्टिव ग्लैंड. ठीक है, क्या बोल रहा है कि कहाँ पे नो स्पेसिफिक डाइजेस्टिव ग्लैंड कहाँ पे नहीं मिलता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इंसेक्ट्स. ठीक है, इंसेक्ट्स में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं देखने को मिलता है. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या करता है, जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और अदर एलिमेंट्स जो है वो फूड या फिर खा के उसके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसको ब्रेक करता है. ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या करता है, जो जैसे इंसेक्ट है उसने खाना खाया तो क्या कर रहा है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है जैसे कि प्रोटीन्स, पॉलीसैक्राइड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, तो उसको क्या करेगा, वो ब्रोक डाउन करेगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि एमिनो एसिड, सिंपल शुगर्स. ठीक है, और ये कैटाबॉलिक रिएक्शन शो करेगा जहाँ पे फिर उसके बाद जो बॉडी सेल्स है ये फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे उस सिंपलर फॉर्म को, और उसको फिर यूटिलाइज करेंगे अपने एनर्जी प्रोवाइड करने में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो डाइजेशन है यहाँ पे ये जो है प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन है. ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड. ठीक है, जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड का, ये किस चीज से बना हुआ है. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चिटिन एंड प्रोटीन. ठीक है, जो एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब जो आउटर पार्ट जो होता है आर्थ्रोपोड्स का, ये चीज, ये दो चीज से बना हुआ है. किससे किससे? चिटिन एंड प्रोटीन से. ठीक है, जो एपिक्यूटिकल होता है वो थिन आउटर प्रोटीन लेयर होता है. ठीक है, और जो प्रोक्यूटिकल रहता है वो थिक इनर चिटिन प्रोटीन लेयर होता है, जो कि एक्सोस्केलेटन बनाता है. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो एपिक्यूटिकल है वो क्या कर रहा है, थिन थिन आउटर प्रोटीन लेयर बना रहा है, और उसके नीचे क्या रहेगा, प्रोक्यूटिकल जो कि थिक इनर चिटिन प्रोटीन लेयर रहता है वो बनाता है एक्सोस्केलेटन. और जो एपिक्यूटिकल है वो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, स्पाइडर्स हो गया. ठीक है, और जो कंटेन करता है वैक्सेस, और उसको क्या करता है, हेल्प करता है कि वाटर लॉस नहीं हो थ्रू द इवेपोरेशन. ठीक है, मतलब कि वाटर लॉस को बचाता है, इवेपोरेशन को डिक्रीज करता है, क्योंकि जो एपिक्यूटिकल लेयर थोड़ा थिक रहता है और वहाँ पे वैक्सेस प्रेजेंट रहता है, इस वजह से वो प्रोटेक्ट कर पाता है फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बिटवीन द हेड एंड द एब्डोमेन व्हाट इज द नेम ऑफ द मिडिल रीजन ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी. ठीक है, क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये हेड है, ठीक है, और यहाँ एब्डोमेन है. ठीक है, तो ये चीज जो है, इसको हेड और एब्डोमेन को क्या जो चीज है मिडिल में, ये कनेक्ट करता है. तो यहाँ पे जो थोराक्स होता है वो कनेक्ट करता है इंसेक्ट के हेड को और एब्डोमेन को. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन ए, थोराक्स. ठीक है, जो थोराक्स है वो तीन तरह का थोराक्स होता है. ठीक है, पहला हो जाता है प्रोथोराक्स, सेकंड जो है वो मेसोथोराक्स, और तीसरा है मेटाथोराक्स. ठीक है, जो प्रोथोराक्स है ये क्या है, एक छोटा सा एक्सटेंशन है, इसको हम लोग बोलते हैं जो, मतलब जो कनेक्ट करता है हेड को थोराक्स के साथ. ठीक है, छोटा सा एक्सटेंशन है जो कि क्या कनेक्ट करता है, नेक को कनेक्ट करता है, मतलब नेक है जो कनेक्ट करता है हेड एंड थोराक्स को. उसके बाद आता है मेसोथोराक्स. मेसोथोराक्स जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स को. ठीक है, और जो मेटाथोराक्स होता है वहाँ से सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स जो है वहाँ पे राइज होता है. ठीक है, थोराक्स में आपको, थोराक्स रीजन में आपको पेयर ऑफ लेग्स भी देखने को मिलेंगे, और जो टेग्मिना या फिर फॉर विंग्स होता है वो जो है रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ कॉकरोच एनाटॉमी इज ट्रू. ठीक है, कॉकरोच एनाटॉमी की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन डी, द कॉकरोचेज एबडोमेन इज डिवाइडेड इनटू 10 सेगमेंट्स. ठीक है, जो कॉकरोच का एबडोमेन होता है वो 10 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, कॉकरोच में क्या कर रहा है, जो बॉडी है वो तीन पार्ट से बना होता है. ठीक है, कौन कौन से पार्ट से, तो हेड, थोराक्स और एब्डोमेन. ठीक है, और जो हेड है वो ये फॉर्म करता है 6 सेगमेंट से मिलके. ठीक है, 6 सेगमेंट्स फ्यूज होते हैं तो वहाँ पे हेड बनता है, जब 3 सेगमेंट्स फ्यूज होते हैं तो वहाँ पे थोराक्स बनता है, और जो एब्डोमेन है वहाँ पे जो 10 सेगमेंट्स फ्यूज होते हैं तो वहाँ पे एब्डोमेन बनता है. तो यहाँ पे यही जो डी स्टेटमेंट जो है, ऑप्शन डी में जो स्टेटमेंट है वो यही कह रहा है, जो एब्डोमेन है वो डिवाइड है इनटू द 10 सेगमेंट्स. ठीक है, जब ये 10 सेगमेंट्स से मिलकर जो है एब्डोमेन बनता है. ठीक है, जो लार्ज जेनाइटल पाउच है वो जो है वो प्रेजेंट रहता है 7th, 8th एंड 9th स्टर्नम में. ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा एक पेयर ऑफ जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनल सरसाई, जो कि कहाँ मिलता है, 10th सेगमेंट में जो है वो प्रेजेंट रहता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, इंसेक्ट्स यूज डैश टू ब्रीथ. ठीक है, इंसेक्ट जो है किससे ब्रीथ करता है, यहाँ पे क्या रहा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्पायरिकल्स. ठीक है, जो इंसेक्ट्स है वो स्पाइरिकल से ब्रीथ करते हैं. तो कैसे, जो स्पाइरिकल्स हैं ये प्रेजेंट रहता है एक्सोस्केलेटन के साइड. ठीक है, एक्सोस्केलेटन में जो है प्रेजेंट रहता है स्पाइरिकल्स, और जो कि अलाउ करता है एयर को एंटर करने में. ठीक है, स्पाइरिकल्स ही क्या करता है, अलाउ करता है एयर को एंटर करने में इंटू द ट्राकिया. ट्राकिया में जो है एयर को ये डालता है, और जो ट्राकियल ट्यूब्स रहते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ऑक्सीजन को ये डिलीवर करे कहाँ पे, इंसेक्ट के टिश्यूज में. ठीक है, डायरेक्ट टिश्यू, जो डायरेक्ट मतलब जैसे टिश्यू है, यहाँ पे से टिश्यू है, तो ये क्या करता है, जो ट्राकियल ट्यूब्स होते हैं ये ट्यूब्स के हेल्प में क्या करता है, जो एयर प्रेजेंट है बाहर वो डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन को डिलीवर करता है इंटू द इंसेक्ट टिश्यूज. ठीक है, जो मोस्ट इंसेक्ट्स रहते हैं उनके पास 1 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स देखने को मिलेगा पर बॉडी सेगमेंट. ठीक है, पर बॉडी सेगमेंट के अकॉर्डिंग एक स्पाइरिकल्स रहता है, 1 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स. ठीक है, जनरली, और जो कि फाउंड रहता है लैटरली अलोंग द थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है, लैटरली प्रेजेंट रहता है कहाँ का, थोरैक्स एंड एब्डोमेन है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इंसेक्ट्स आर कैटेगराइज एज पार्ट ऑफ द फाइलम. ठीक है, जो इंसेक्ट्स ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आर्थ्रोपोडा. ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं,
ठीक है, जिस जिनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स, जैसे कि उनके पास एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है, सेगमेंटेड बॉडीज रहते हैं एंड पेयर जॉइंटेड अपेंडिजेस रहते हैं, ठीक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आर्थ्रोपोडा फाइलम का, ठीक है। और जो आर्थ्रोपोडा, ये कंटेन करता है आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स, जहाँ पे थ्री जॉइंटेड लिम्ब्स देखने को मिलेंगे, चिटिन क्यूटिकल देखने को मिलेंगे, जो कि फ्रिक्वेंटली मिनरलाइज होता है विद कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक डिस्टिंक्टिव फीचर है आर्थ्रोपोड्स का, ठीक है। आपको टू अपेंडिजेस भी देखने को मिलेंगे, जो बॉडी होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, जो कि अगर हम जैसे मान लीजिए कि ये कॉकरोच बनाती हूँ, तो अगर यहाँ पे बॉडी को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो सिमेट्रिकल टू इक्वल पार्ट्स में, यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों में इक्वल डिवाइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल बॉडी फॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 14। इन द इंसेक्ट लाइफ साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेस्टिंग एंड इनएक्टिव स्टेज, ठीक है, इंसेक्ट के जो लाइफ साइकिल में जो है कौन सा ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं रेस्टिंग या फिर इनएक्टिव स्टेज, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द प्यूपा स्टेज। तो प्यूपा स्टेज होता है वो क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज होता है या फिर इनएक्टिव स्टेज होता है, ठीक है। जो प्यूपा है ये क्या करता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यहाँ पे शो करता है, और जो प्यूपल स्टेज होता है वो फॉलो क्या करता है, प्यूपल स्टेज का आपका देखने को मिलेगा लार्वल स्टेज, ठीक है, जो कि एडल्ट स्टेज पे आपको पहले मिलेगा, ठीक है, एडल्ट स्टेज के पहले ही आएगा किसी भी इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में, ठीक है। और जो लार्वल स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या करेगा, ब्रोक डाउन कर जाएगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और फिर जो एडल्ट स्ट्रक्चर है वो उसमें डेवलप कर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एंटोमोलॉजी, ठीक है, मतलब एंटोमोलॉजी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो जो 15 है इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ठीक है, एंटोमोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंसेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, जो एंटोमोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जूलॉजी का जहाँ पे हम लोग इंसेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं साइंटिफिकली, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखना है, सेगमेंटेड बॉडी पार्ट जो रहते हैं इंसेक्ट का, वो जो है वो ग्रीक वर्ड से आया, ठीक है, ग्रीक वर्ड एंटोमॉन, ठीक है, एंटोमॉन मतलब कि नॉच्ड, ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है एंटोमोलॉजी का स्टडी, कहाँ कहाँ, तो बायोडायवर्सिटी रिसर्च में हेल्पफुल होता है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी असेसमेंट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, ये दो चीज़ दो जगह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है एंटोमोलॉजी का स्टडी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 16 कह रहा है फैमिली ऑफ डायमंड बैक मॉथीज, ठीक है, जो फैमिली है मतलब जो डायमंड बैक मॉथ है ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्लूटेलिडी, ठीक है, ये प्लूटेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। जो डायमंड बैक मॉथ है इसका साइंटिफिक नेम आता है प्लूटेला जाइलोस्टेला, ठीक है, और ये ऑर्डर लेप्टोप्टेरा से बिलोंग करता है, और इसका फैमिली अभी जस्ट देखा कि प्लूटेलिडी है, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या होता है, तो सिम्टम्स मतलब कि जब ये किसी भी प्लांट में इन्फेक्ट करता है तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो लीव्स होते हैं ना वो स्केलेटनाइज होता है, मतलब कि एकदम पतला एकदम थिन स्किनी जैसा हो जाएगा, एकदम स्केलेटन फॉर्म कर जाएगा, मतलब कि उसके जितने भी क्लोरोफिल वाले पार्ट होंगे वो खा लेगा ये पेस्ट, और बस स्केलेटन फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है, आपको बस पतला सा लामना दिखेगा, और जो लीव्स है आपको वहाँ पे होल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका लीव्स है तो यहाँ पे आपको जो पतला पतला जैसे ये ऐसा स्केलेटन फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है, जाली जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको होल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये मेनली कहाँ पे अटैक करता है, जो डायमंड बैक मॉथ है ये मेनली क्रूसीफेरस प्लांट्स में अटैक करता है, जैसे कि ब्रासिका स्पीशीज ऑफ जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, टर्निप हो गया, ठीक है। तो अब इसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंडोसल्फेन का स्प्रे करेंगे एट द रेट ऑफ 2 ml पर लीटर, या फिर हम लोग थायोडाइकार्ब भी स्प्रे कर सकते हैं 1 g पर लीटर पे, ठीक है। अगर हम स्प्रे नहीं कर सकते तो फिर हम फेरोमोन ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप एट द रेट ऑफ 4 per acre जो है यूज़ करेंगे, मतलब 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएंगे 1 acre में, ठीक है, या फिर हम लार्वा पैरासिटॉइड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है ब्रैकिमेरिका स्पीशीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि DBM इज अ स्पेसिफिक इंसेक्ट ऑफ, ठीक है, DBM मतलब क्या हो रहा है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डायमंड बैक मॉथ, ठीक है, ये किसके लिए स्पेसिफिक है, तो ये जो है ये ब्रासिका स्पीशीज को मतलब क्रूसीफेरस प्लांट्स को जो अटैक करता है, ठीक है, जैसे कॉलीफ्लावर टर्निप, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कैबेज, ठीक है, कैबेज जो है ये क्रूसीफेरस प्लांट्स में आता है, ठीक है, और ब्रासिका स्पीशीज यही है, तो यहाँ पे इसलिए कैबेज होगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने देखा कि हम लोग उसका क्या क्या सिम्टम्स दिखा था, जो लीव्स हो जाते हैं वो स्केलेटन जैसा फॉर्म करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको लीव्स में होल्स देखने को मिलेगा, और जो लीव्स हैं ये यहाँ पे विदर हो जाएंगे, ठीक है, होल्स फॉर्म करेगा, ये क्या होगा, क्लोरोफिल तो सब हट गया, तो यह होगा ये फिर गिर जाएगा, ठीक है, प्रीमेच्योरली ये फॉल कर जाएगा लीव्स,
और इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्प्रे करेंगे इंडोसल्फेन या फिर थायोडाइकॉर्ब, ठीक है, या फिर हम लोग फेरोमोन ट्रैप जो है वो यूज़ करेंगे एट द रेट ऑफ 4 पर एकड़, ठीक है, 1 एकड़ में 4 फेरोमोन ट्रैप हम लोग यूज़ करेंगे, या फिर हम लोग लार्वा पैरासिटॉइड का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रैकीमेरिका स्पीशीज है वहाँ यहाँ पे हम लोग रिलीज कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ये नेचुरली जो है जो पेस्ट है वो मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोल रहा है, साइंटिफिक नेम ऑफ बॉल विविलिस, ठीक है, जो हमारा साइंटिफिक नेम है किसका, बॉल विविल का, तो वो क्या होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 नंबर का, बी एंथोमोनास ग्रैंडिस, ठीक है, एंथोनोमस ग्रैंडिस जो है ये साइंटिफिक नेम है किसका, बॉल विविल का, ठीक है, ये ऑर्डर कॉलियोप्टेरा से बिलोंग करता है और इसका फैमिली है कुरक्यूलिनोइडी, ठीक है, तो यहाँ पे सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिम्टम्स में, इसमें क्या होता है, ये स्मॉल पंक्चर कर देता है, ठीक है, ये जो पेस्ट है बॉल विविल ये पंक्चर कर देता है बर्ड्स में, ठीक है, बर्ड्स में, जो कि फिर ब्राउन कलर का हो जाता है, जो बर्ड्स है उसका कलर जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, फिर ये गिर जाता है, और जो फ्लावर्स है वो येलो कलर में चेंज जा जाता है, और वो भी जो है वो प्रीमेच्योरली जो है वो गिर जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपको इम्पेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा और किसका, द बॉल का और बॉल रॉट का, ठीक है, बॉल रॉट हो जाएगा, ये मेनली का ये कॉटन का है, ठीक है, तो वहाँ जो कॉटन का बॉल है वहाँ पे आपको इम्पेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट स्विच क्रॉप, ठीक है, जो बीटी कॉटन है ये रेजिस्टेंट है किस किसके अगेंस्ट, किस टाइप ऑफ क्रॉप के लिए, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है और ये किस ऑर्डर से रेजिस्टेंट है ये यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लेप्टोप्टेरा, ठीक है, ये लेप्टोप्टेरा के जो ऑर्डर है जितने भी इंसेक्ट्स इस में फॉल करते हैं इससे जो है रेजिस्टेंट दिखाता है बीटी कॉटन, ठीक है, ये बीटी कॉटन जो है ये कॉटन का जो है वेरायटी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, ठीक है, वो भी किस वेरायटी का, तो कॉटन वेरायटी का, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता सब जो कि प्रोड्यूस करता है मतलब जिस मतलब प्रोड्यूस करता है ऐसा टॉक्सिन जिससे कि जब इंसेक्ट्स खाते हैं इसको फीड करते हैं तो वो मर जाता है, ठीक है, और ये बॉलवॉर्म से मतलब बॉलवॉर्म का ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाता है ब्रिटी कॉटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट पेस्टिसाइड यूज्ड इन इंडिया वाज, ठीक है, जो फर्स्ट पेस्टिसाइड है जो यूज़ किया गया इंडिया में वो कौन सा है, तो यहाँ पे नाम बताना है फर्स्ट पेस्टिसाइड का, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा ए DDT, ठीक है, DDT जो है पहला पेस्टिसाइड जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, DDT का क्या फुल फॉर्म है, तो इसका हो जाएगा डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ठीक है, ये फर्स्ट मॉडर्न सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, ऐसे जनरली जो पेस्टिसाइड जो है वो इंडिया में सिंस 1948 से जो है यूज़ किया गया था, लेकिन जो इसका प्रोडक्शन है ये 1952 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था प्रोडक्शन इन इंडिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 21 कह रहा है सेफ इंसेक्टिसाइड फॉर वेजिटेबल क्रॉप, ठीक है, ऐसा कौन सा जो इंसेक्टिसाइड है वो सेफ है अगर हम लोग उसको वेजिटेबल क्रॉप के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए इंडोसल्फेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ अ मिमिकिंग इंसेक्ट, ठीक है, मिमिकिंग इंसेक्ट कौन सा है ये गिवन ऑप्शन में से, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, मतलब फाइलम इरोक्सीरिया फाइलम जैकोब्सोनी फाइलम मैबेंटाई जितना भी है ये सब जो है मिमिक्री शो करते हैं, ठीक है, मिमिकिंग क्या होता है, मिमिकिंग इंसेक्ट मतलब क्या कि ऐसा मतलब ये कब होता है मिमिक्री, जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो है वो कॉपी करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का फिजिकल या फिर बिहेवियर ट्रैक, ठीक है, कोई भी अगर फिजिकल या बिहेवियर जो है उसका ट्रैक जो है अगर उसका कॉपी करता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, और जिसकी वजह से उसको क्या है एक एडवांटेज मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मिमिक्री, ठीक है, जितने भी मतलब फाइलिडी फैमिली से जितने भी जो है बिलोंग करते हैं पेस्ट वो सब क्या दिखाते हैं मिमिक्री दिखाते हैं, ठीक है, जैसे कि वो कैमोफ्लॉज कर जाते हैं विद लीफ जिससे क्या होता है जो प्रिडेटर्स है वो उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, जो प्रिडेटर्स है वो उनको अटैक नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फाइलिडी फैमिली का कैसा होता है जैसे कि मान लीजिए कि ये लीफ है, ठीक है, और ये जैसे मान लीजिए कि इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट का जो मॉडिफिकेशन है ना ये एकदम लीफ के ही टाइप से ऐसा इस टाइप से जो लीफ का टाइप का मतलब पूरा ग्रीन कलर ये भी रहेगा लीफ का ग्रीन कलर होता है तो इससे क्या ये पूरा छुप जाएगा, ठीक है, और पता भी नहीं चल पाएगा कि ये इंसेक्ट जो है ये और प्रीडेटर जो है इसको ढूंढ नहीं पाएगा तो क्या करेगा इस पर फीड नहीं कर पाएगा, इसके वजह से ये क्या इसको सेलेक्टिव एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है, एडवांटेज मिल रहा है और ये सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिमिक्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, CPPTI इज लोकेटेड इन, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए बैंगलुरु,
ठीक है। तो जो CPPTI है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, कहाँ पे, बैंगलुरु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, इंसेक्टिसाइड मार्क्ड एज सेफ फॉर हनी बी, ठीक है। कौन सा इंसेक्टिसाइड जो है वो सेफ मार्क किया गया है, जिसको हम किस पे, हनी बी पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हनी बी पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, मेलेथियन, ठीक है। जो मेलेथियन है हम लोग उसको हनी बी पे यूज कर सकते हैं, जो कि सेफ इंसेक्टिसाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 25 क्या बोल रहा है, एडजस्टेबल टाइप ऑफ नोजल्स, ठीक है। जो एडजस्टेबल टाइप है नोजल का, वो कौन सा है ये गिवन स्प्रेयर में से। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, स्प्रे बूम, ठीक है। जो स्प्रे बूम है, यहाँ पे जो है नोजल को हम लोग वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्म मशीन है जो कि यूज करते हैं ऑल टाइप ऑफ स्प्रे करने के लिए। किसको किसको स्प्रे कर सकते हैं हम लोग स्प्रे बूमर से, मतलब बूम स्प्रेयर से। तो यहाँ पे हम लोग पेस्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, हर्बिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं, फर्टिलाइजर को स्प्रे कर, सो दैट कि हम लोग जो क्रॉप है, जो फसल है, उसको हम लोग बचा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, क्या कह रहा है, एंडेमिक पेस्ट कैन बी डिस्क्राइब एज, ठीक है। तो एंडेमिक पेस्ट हम लोग किसको बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेस्ट अकर्स इन अ फ्यू स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। तो जो एंडेमिक पेस्ट होता है वो अकर करता है रेगुलरली, और जो वो कन्फाइंड रहता है किसी पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर लोकेलिटी में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा राइस गॉल मिर्च इन मदुराई डिस्ट्रिक्ट। जो मदुराई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो है राइस गॉल मिर्च बहुत ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है, और जो है ये रेगुलरली अकर होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, मदुराई डिस्ट्रिक्ट में राइस गॉल मिर्च, ठीक है। चलिए 27 क्या बोल रहा है, विच इज अ रेजिस्टेंट रूट स्टॉक ऑफ एप्पल अगेंस्ट ओली एफिड, ठीक है। ओली एफिड जो है कौन सा मतलब रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है ओली एफिड, जो कि एप्पल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी, M112, ठीक है। जो ओली एफिड है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इरिसोमा लैनिग्रम, ठीक है। इसका ऑर्डर हेमिप्टेरा है, और ये फैमिली एफिडी से बिलोंग करता है, ठीक है। जो ये ओली एफिड है, ये जो है सीरियस पेस्ट है एप्पल का, पियर का, स्कैब एप्पल का, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इन्फेस्टेड प्लांट्स हैं वहाँ पे आपको पेल ग्रीन लीव्स देखने को मिलेगा, और व्हाइटिश कॉलोनी पैचेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ, स्टेम पे और ब्रांच पे, ठीक है। व्हाइट कॉलोनी पैचेस देखने को मिलेंगे स्टेम और ब्रांच में, और यहाँ पे आपका गॉल या फिर नॉट जो है वो फॉर्म होगा कहाँ का, रूट्स पे या फिर अंडरग्राउंड पार्ट्स में। जो अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट्स है, जो जमीन के अंदर है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो रेजिस्टेंट रूट स्टॉक हम लोग जैसे मैनेजमेंट करना हो अगर ओली एफिड का, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हम लोग रेजिस्टेंट जो है रूट स्टॉक लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं लाइडॉन डिलीशियस मॉर्टोन स्टॉक्स, ठीक है, जैसे 778, 779, 789, 793, या फिर MM का फुल फॉर्म है मेलिंग मर्टोन, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग MM रूट स्टॉक्स यूज करेंगे, जैसे MM106, 109, 111, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 28, 28 नंबर क्या बोल रहा है कि द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ओली एफिड इज डन बाय अप्लाइंग, ठीक है। जो हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल है ओली एफिड का कैसे कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एफेलिनस माली, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग रिलीज कर देंगे यूलोफिड पैरासिटॉइड, जो कि है एफिलिस माली, ड्यूरिंग दिसंबर एंड जून, ठीक है। सो दैट कि हम लोग को जो है मैक्सिमम पैरासिटाइजेशन देखने को मिले, या फिर हम लोग यहाँ पे प्रेडेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रेडेटर कौन कौन सा, तो चालियोमेनेंस बाइजुगस, या फिर कॉसिनेला सेप्टम पंक्टाटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेडेटर्स यूज करेंगे, सो दैट कि हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सके, ओली एफिड को जो है उसका खात्मा कर सके, अपने क्रॉप को जो है इन्फेस्टेशन से बचा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप इफको AGT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, जो कि आपको पड़ेगा 1600 रुपये में, ठीक है। अभी हमारे यहाँ 60% जो है वो ऑफ चल रहा है, जिसकी वजह से आपको क्या है कि कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, और ये कोर्स जो है आपका एग्जाम तक वैलिड रहेगा, ठीक है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड सेशंस, इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। आप 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल हैं, जिससे आप अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, जो कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक, जहाँ पे आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ये सब भी इंक्लूडेड रहेंगे वहाँ पर, ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ से 25+ स्टूडेंट का जो है वो सिलेक्शन हो चुका है इन इफको AGT एग्जाम, ठीक है, और जो कि मैक्सिमम है इंडिया में। आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेस करते हैं,
और अच्छे से पढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो टीचर्स है वो काफी एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। हमारे टीचर्स हम आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों का अच्छे से गाइडेंस देंगे। और इस कोर्स को परचेस करने के लिए आपको जो है लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाइए, इस लिंक को विजिट करिए और वहाँ से आप कोर्स जो है परचेस कर सकते हैं। या फिर आप जो ये स्क्रीन पर दिया गया जो नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको इस कोर्स की और डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए हम अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ये है रिलेटिव एस्टिमेट इंक्लूड्स, ठीक है। रिलेटिव एस्टिमेट इंक्लूड, तो यहाँ पे आंसर जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। रिलेटिव एस्टिमेट मतलब कि क्या करना चाह रहा है कि हम लोग यहाँ पे जो है ना, जैसे कि जो ट्रैप है, मान लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यूज ऑफ ट्रैप्स। हम लोग जो ट्रैप यूज करते हैं वो हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि इतना एकड़ या फिर इतना एरिया में कितने फेरोमोन ट्रैप्स लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इंसेक्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंसेक्ट प्रोडक्ट्स मतलब कि हम लोग कितने इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे, कितने पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, ये सब भी हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि इतना एरिया में इतना प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी में इतना जो है हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे ही प्लांट डैमेज, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि अगर इतना प्लांट है और कितने जो है पेस्ट अटैक किए हैं, तो जिसके वजह से हमें हमारा जो है कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। ये सब में हम लोग क्या लेते हैं, रिलेटिव एस्टिमेट लेते हैं, ठीक है। हम लोग एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है। रिलेटिव मतलब क्या, थोड़ा आगे पीछे हमारा वो जो वैल्यू है वो हो सकता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग लेते हैं रिलेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, क्या बोल रहा है, गुंधी बग अटैक्स ऑन, ठीक है। तो ये गुंधी बग है ये जो है किस स्टेज में अटैक करता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मिल्किंग स्टेज, ठीक है। ये जो है मेनली मिल्किंग स्टेज पे जो है ये अटैक करता है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। जो राइस गुंधी बग है, या फिर राइस ईयर हेड बग भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है लेप्टोकॉरिसा वेरिकॉर्निस, ठीक है। ये फैमिली कॉर्सिडी से बिलोंग करता है और ऑर्डर हेमिप्टेरा, ठीक है। ये जो है ये पीरियोडिक पेस्ट है राइस का, तो इसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो ये गंधी बग है, नाम से पता चल रहा है कि एक गंध मतलब कि एक पर्टिकुलर स्मेल देगा, ठीक है, पंगेंट स्मेल देगा या फिर एक अनप्लीजेंट स्मेल देगा जब आप इस जो बग को छूएगा या फिर डिस्टर्ब करिएगा, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में क्या करता है, जो निम्फ जो एडल्ट रहता है वो क्या करता है, जो वो सब करता है मिल्की जूस को, ठीक है, फ्रॉम द डेवलपिंग ग्रेन, जो ग्रेन्स डेवलप होते हैं वहां से वो जो है नेम फॉर एडल्ट जो है वो क्या करता है, सक करता है एट द मिल्की स्टेज, जो कि क्या काउज करता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड पैनिकल्स फॉर्म होता है, या फिर जो पैनिकल्स है वो एम्प्टी हो जाता है ऑफ द ग्रेन्स से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक और ब्राउन स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे अराउंड द होस्ट, जो कि जो है जो होस्ट जो बग फॉर्म कर देता है ना, वहाँ पे आपको ब्लैक ब्राउन स्पॉट्स दिखने मिलेंगे अराउंड द होल, ठीक है, होल के आसपास, ठीक है, जहाँ पे आपको सूटी मॉल जो है डेवलप देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ना मेलाथियोन का स्प्रे करेंगे 50 EC एट द रेट ऑफ 675 ml पर हेक्टर, या फिर हम लोग यहाँ पे लाइट ट्रैप भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो बर्न्स है वहाँ पे हम लोग क्लीन रख सकते हैं उसको, वीड से मतलब वीड वीडिसाइड वगैरह यूज करके वीड्स का जो है वहाँ पे पॉपुलेशन उसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोग को जो बर्न है उसको फ्री फ्रॉम वीड रखना है, ठीक है। या फिर हम लोग हैंड कलेक्शन कर सकते हैं बग का, क्योंकि जो बग है ये विजिबल रहता है, तो हम लोग यहाँ पे हैंड कलेक्शन करके उसको मार सकते हैं, जिससे जो है अगर स्मॉल नंबर में पॉपुलेशन है अगर गुंधी बग का, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 31 कह रहा है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के फादर कौन है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन इज ए स्मिथ, ठीक है। जो स्मिथ है इनको बोला गया है बायोलॉजिकल कंट्रोल के फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अट्रैक्टेड टू ग्रीन लाइट, ठीक है। जो कौन सा जो पेस्ट है वो ग्रीन लाइट से अट्रैक्ट होता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कॉर्सायरा, ठीक है। कॉर्सायरा जो है अट्रैक्ट होता है ग्रीन लाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 33, विच इज अ स्पोरेडिक पेस्ट, ठीक है। जो स्पोरेडिक पेस्ट है इसमें से कौन से हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो व्हाइट ग्रब है या फिर ग्रास हॉपर्स या फिर कटवॉर्म्स है, ये जो तीनों है ये स्पोरेडिक पेस्ट के एग्जाम्पल है, ठीक है। स्पोरेडिक पेस्ट क्या होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। जो स्पोरेडिक पेस्ट मतलब कि पॉपुलेशन ऑफ ऐसे इंसेक्ट, किसके पॉपुलेशन, तो ऐसे इंसेक्ट के जो यूजली नेग्लिजिबल रहते हैं इन सर्टेन ईयर, लेकिन अगर कोई फेवरेबल कंडीशन मिलता है या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर चेंज होता है, तो वो जो है एपिडेमिक के फॉर्म में अपीयर होते हैं, ठीक है। वो पेस्ट ऐसे तो इनएक्टिव रहेंगे, वो कोई जो है नेग्लिजिबल इंपैक्ट दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही कोई फेवरेबल कंडीशन मिलता है या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज आती है, तो वो क्या है अपीयर हो जाएंगे एज एपिडेमिक, ठीक है। और वो ये क्या करेंगे, EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल को और डैमेज बाउंड्री को ये जो है ये क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो जो पेस्ट का नंबर है उसको हम लोग घटा सकते हैं बाय यूजिंग द कल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल आता है वाइट ड्रब, हेयरी कैटरपिलर, कट वॉर्म्स, ग्रास ऑफर, ये सब जो है स्पोरैडिक पेस्ट के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 34 की विच इज पोटेंशियल पेस्ट, ठीक है। पोटेंशियल पेस्ट क्या है यहाँ पे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 34 का ए, ठीक है।
आर्मी वॉर्म ऑन वीट, ठीक है। सबसे पहले था कि पोटेंशियल पेस्ट क्या होता है। पोटेंशियल पेस्ट मतलब कि ऐसे इंसेक्ट जो कि प्रेजेंटली जो है वो कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है, कोई इकोनॉमिक डैमेज नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे इनसे जो कि मतलब प्रेजेंट टाइम में जो मतलब वो पोटेंशियल है, मतलब उनमें क्षमता है पेस्ट जैसे ऐड करने का, बट वो जो प्रेजेंटली है वहाँ पे वो कोई इकोनॉमिक डैमेज नहीं पहुँचा रहा, ठीक है। इसका जनरली जो क्या होता है, जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है जीईपी जो होता है, वो जो है डैमेज बाउंड्री से नीचे लाई करता है, ठीक है। और ये कभी क्रॉस नहीं करता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल को। अगर फेवर कंडीशन है तब भी इकोनॉमिक इंजरी लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, बट स्पोरैडिक पेस्ट में क्या है कि अगर फेवर कंडीशन हुआ तो वो क्रॉस कर जाएगा इकोनॉमिक इंजरी लेवल को, लेकिन पोटेंशियल पेस्ट में क्या है वो क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई भी चेंज होता है इकोसिस्टम में, या तो क्या होता है कि जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो थोड़ा सा हायर हो जाएगा और वहाँ पे इकोनॉमिक डैमेज हो सकता है फ्रॉम दिस पेस्ट, ठीक है। और तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ऑपरेशंस फिर हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट कि हम लोग जो पेस्ट का है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने क्रॉप को बचा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे स्पोरोप्टेरा लिटुरा जो है कॉटन में जो होता है या फिर सोयाबीन में, ये जो है एग्जाम्पल रहता है पोटेंशियल पेस्ट का, ठीक है। इसके साथ ही साथ आर्मी वॉर्म जो होता है वीट में, ये भी पोटेंशियल पेस्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, बटरफ्लाइज आर, ठीक है। जो बटरफ्लाइज है यहाँ पे क्या कह रहा है कि कब फ्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी, यूजली डे फ्लायर्स, ठीक है। जो बटरफ्लाई है यूजली जो है डे में एक्टिव रहते हैं और जो नाइट में ये इनएक्टिव रहते हैं। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि जो बटरफ्लाइज होते हैं वो डे में फ्लाई करते हैं और जो मॉथ होते हैं वो रात में एक्टिव रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, विच इज अ रेगुलर पेस्ट, ठीक है। कौन सा जो है वो रेगुलर पेस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जो एफिड्स हैं, जैसिड्स हैं या फिर थ्रिप्स हैं, ये जो तीनों हैं ये तीनों रेगुलर पेस्ट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो रेगुलर पेस्ट क्या होता है, रेगुलर पेस्ट जो है वो जो इफेक्ट करता है स्पेसिफिक सीजनल क्रॉप को, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, जैसिड्स थ्रू जनरेशन, ठीक है। बहुत सारे जनरेशन के थ्रू जो है ये इफेक्ट करता है क्रॉप को ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, ठीक है। जैसे कि जो ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अकर करता है, रेगुलर नाम से ही पता चल रहा है, रेगुलर मतलब कि बराबर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं जो है मतलब मोर फ्रिक्वेंटली अकर करते हैं, और जो ये जो पेस्ट है ये क्लोजली एसोसिएट रहते हैं क्रॉप से, ठीक है। जैसे कि राइस स्टेम बोरर, ब्रिंजल फ्रूट बोरर, ये सब क्या है जो है रेगुलर पेस्ट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 37 कह रहा है मॉथ्स आर, ठीक है। अभी जस्ट बताया कि जो बटरफ्लाई है वो दिन में एक्टिव रहता है, जो मॉथ है वो नाइट में एक्टिव रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन ए यूजली नाइट फ्लायर्स, ठीक है। जो मॉथ है वो यूजली नाइट फ्लायर्स है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 38 हॉपर बर्न, ठीक है। हॉपर बर्न ए बाइगुटुला इज अ सिम्टम ऑफ, ठीक है। जो हॉपर बर्न है ये आपको किस में देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉटन, ठीक है। तो ये जो लीफ हॉपर है, ठीक है, लीफ हॉपर बाइगुटुला जो है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं अमेरास का डिवास्टेंस भी बोलते हैं इसका साइंटिफिक नेम से। तो ये जो है ये क्या करता है, ये अटैक करता है कॉटन को, ठीक है। यहाँ पे ये क्या सिम्टम दिखाता है, तो क्या करता है, जो टेंडर लीव्स हो जाते हैं वो येल्लो कलर के फॉर्म होते हैं, और जो लीव्स के मार्जिन है वो कर्ल होने लगते हैं डाउनवर्ड, जैसे कि ये मान लीजिए ये नॉर्मल लीव्स है, ठीक है। तो ये जो है ये डाउनवर्ड कर्ल होने लगेंगे ये लीव्स, ठीक है, डाउनवर्ड कर्ल होने लग जाएंगे, और यहाँ पे आपको रेडनिंग कलर के जो है वो कलर देखने को मिलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेस्ट हो जाता है लीफ हॉपर का, तो यहाँ पे जो है हॉपर बर्न सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। हॉपर बर्न मतलब क्या है, जला हुआ जैसा अपीयरेंस, यहाँ पे क्या होगा जो लीव से ये ब्रिक रेड कलर के हो जाएंगे या फिर ब्राउन कलर के हो जाएंगे, ठीक है। जो कि हॉपर बर्न जैसा अपीयरेंस, जला हुआ जैसा फॉर्म जो है अपीयरेंस देंगे। यहाँ पे जो लीव से वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, वो फिर झड़ने लग जाते हैं, और जो क्रॉप ग्रोथ होता है वो रिटार्ड हो जाता है। तो इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं लीफ हॉपर के अटैक को, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ना कार्बोफ्यूरॉन का जो है स्प्रे कर सकते हैं 3% जो सीजी 25 kg पर हेक्टर के मात्रा में, ठीक है। क्वेश्चन 39 बोल रहा है फैमिली ऑफ राइस गंधी बग्स, ठीक है। जो राइस गंधी बग है इसका क्या फैमिली है, कौन से फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए एलआईडीडी, ठीक है, ये एलआईडीडी फैमिली से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ टुंडू डिजीज इंक्लूड, ठीक है। अगर हम लोग टुंडू डिजीज का जो है मैनेजमेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 41 मोनोफागस इंसेक्ट पेस्ट है, ठीक है। जो मोनोफागस इंसेक्ट पेस्ट है इसमें से कौन सा जो है मोनोफागस इंसेक्ट पेस्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मोनोफेगस इंसेक्ट मतलब कि क्या, ऐसे इंसेक्ट जो कि फीड करते हैं एक ही क्रॉप, एक ही टाइप के प्लांट पे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर प्लांट नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, नहीं खाएंगे, दूसरी जगह नहीं खाएंगे, मर जाएंगे। तो ये जो येलो राइस येलो स्टेम बोरर है, कॉटन जासिड्स है, ठीक है, और जो राइस वीवल है, ठीक है, जो राइस वीवल है, कॉटन जासिड्स और जो राइस येलो स्टेम बोरर, ये सब जो है मोनोफेगस इंसेक्ट पेस्ट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ट्राइकोग्रामा। ठीक है, ट्राइकोग्रामा क्या है, हमारा एग पैरासिटॉइड है, इसका क्या हो जाएगा आंसर बी, इट इज एन एग पैरासिटॉइड। ठीक है, जो ट्राइकोग्रामा है ये प्राइमरी पैरासिटॉइड एग है, किसका, तो लेप्टोप्टेरा ऑर्डर का। ठीक है, लेकिन ये पैरासिटिज्म भी शो करता है किसी किसी ऑर्डर में, जैसे कि कॉलोप्टेरा, डिप्टेरा, हेमप्टेरा, हाइमाप्टेरा, न्यूरोप्टेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 43 कह रहा है वेक्टर ऑफ ग्रासी स्टंट डिजीजेस। ठीक है, जो ग्रासी स्टंट डिजीज है इसका वेक्टर कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ब्राउन प्लांट हॉपर। ठीक है, ब्राउन प्लांट हॉपर को हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में BPH। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, BPH। ब्राउन प्लांट हॉपर जो है ये अटैक करता है लेटर क्रॉप सीजन में। ठीक है, और जो ब्राउन प्लांट हॉपर ये क्या करेगा, ये सक करेगा सैप को फ्रॉम द प्लांट, और ये काउज करता है सीरियस डिजीज। ठीक है, ये क्या करता है, कभी कभी जो है ये क्या करता है, इमिट करता है टॉक्सिन्स इनटू द प्लांट, जो कि प्रोड्यूस करता है पर्टिकुलर सिम्टम जैसे कि हॉपर बर्न। ठीक है, यहाँ पे भी जला हुआ जैसा आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो ब्राउन प्लांट हॉपर है ये ट्रांसमिट करता है ग्रासी स्टंट डिजीज को टू दी अदर प्लांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 44, हार्मफुल स्टेज ऑफ साइट्रस पासिलाइज। ठीक है, जो साइट्रस पासिलाइज है इसका जो हार्मफुल स्टेज है क्या है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये जो निम्फ है और एडल्ट, ये दोनों जो है ये जो है हार्मफुल स्टेज है। ठीक है, तो ये जो साइट्रस पासिला है ये पेस्ट क्या करता है, ये जो है सक करता है सैप को फ्रॉम द यंग शूट्स। ठीक है, जो कि क्या काउज करता है, स्टंटिंग काउज करता है, डिस्टॉर्शन, उसका जो क्रॉप है उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, ये जो है जो जो ये क्या करता है, लीव्स को ट्विस्ट कर जाता है, तो जो ट्विस्टेड लीव्स है ये करता है जो फॉल कर जाता है प्री मैच्योरली, मतलब कि मैच्योर होने से पहले जो है ये जो ट्विस्टेड लीव्स है वो फॉल कर जाते हैं, और जो लीव्स है यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको कवर देखने को मिलेगा हनी ड्यू एंड सूटी मॉल्ड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 45 कह रहा है वेक्टर ऑफ राइस टुंग्रो वायरसेस। ठीक है, जो राइस टुंग्रो वायरस है इसका कौन सा मतलब वेक्टर है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, GLH। ठीक है, मतलब ग्रीन लीफ हॉपर। ठीक है, ग्रीन लीफ हॉपर जो है ये राइस टुंग्रो वायरस का जो है ये वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रीन लीफ हॉपर है जो कि जासिडी से बिलोंग करता है, ये सक करता है सैप को फ्रॉम द लीव्स, और ये फिर ट्रांसमिट करता है टुंग्रो वायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, ईयर कॉकल ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय। ठीक है, जो ईयर कॉकल है जो वीट में कॉज्ड होता है वो किससे होता है, तो इसमें आंसर जाएगा ऑप्शन डी, नेमेटोड से होता है। ठीक है, ये नेमेटोड से फॉर्म करता है ईयर कॉकल। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम आता है उसका होता है एंग्विना रिटिकी। ठीक है, इसको हम लोग वीट सीड गॉल नेमेटोड से भी जानते हैं। इसका जो प्राइमरी होस्ट है इस जो नेमेटोड जो है ये अटैक करता है, प्राइमरी होस्ट जो है वो वीट है, लेकिन इसके साथ साथ रिटिकेल या फिर राई में भी ये अटैक कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 47, पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्टिस। ठीक है, तो पॉलीफेगस मतलब क्या, कि जो कोई भी पर्टिकुलर इंसेक्ट जो है पर्टिकुलर प्लांट पे नहीं डिपेंड होकर मल्टीपल प्लांट्स या फिर मल्टीपल चीज को जो है फीड कर सकता है, मल्टीपल चीज पे फीड कर सकता है, उसको हम लोग पॉलीफेगस बोलते हैं। तो इसका आंसर में ऑप्शन ए, लोकस। ठीक है, जो लोकस चाहिए पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, विच इज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है, जो गिवन जो ऑप्शन है इसमें से जो है कौन सा जो है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डायजिनॉन। ठीक है, ऑप्शन सी ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है इसका आंसर है डायजिनॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्या कह रहा है, विच इज बैन इंसेक्टिसाइड इन इंडिया। कौन सा जो है वो इंसेक्टिसाइड जो है बैन किया गया है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एल्ड्रीन नाइट्रोफेन, एल्ड्रीन नाइट्रोफेन, एल्डिकाव, ये तीनों को जो है ये बैन किया गया इंडिया में, क्योंकि ये जो है हार्मफुल है। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए प्लस क्रॉप के लिए और ह्यूमन बींग के लिए, अदर एनिमल्स के लिए, इसके वजह से इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसका जो इम्पोर्ट है, सब इसको बैन कर दिया गया इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 50 नंबर, इंसेक्टिसाइड विच इज ऑल्सो नोन एज गामा हेक्सा क्लोरोक्सी साइक्लोहेक्सॉन। ठीक है, या ये क्या कर रहा है, इसमें से जो गिवन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है मतलब इंसेक्टिसाइड है कौन सा जो है हम लोग गामा हेक्सा क्लोरी साइक्लोहेक्सॉन से भी जानते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लिंडेन। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा आंसर की दे रखा है। ठीक है, ये PDF आपको अवेल कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उस रेगुलर इस नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप जो है बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे सोशल मीडिया के जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर जाइए, हमारे चैनल्स को ज्वाइन, वहां पे आपको जो है नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके साथ ही साथ आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है, कितना किधर वैकेंसीज आई है वो सब आपको मिलेंगे, जिससे आप सही टाइम पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप फिल कर पाइएगा। ठीक है, आई होप वहां पे आप ज्वाइन करिएगा और उसका फायदा उठाइएगा। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।